दूसरा, जो मैं सुप्रीम कोर्ट का केस जीता, ए वो जजमेंट। पीछे एक मनु संघवी सुप्रीम कोर्ट के जो 10 टॉप लॉयर है ना, उसमें से एक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट में वकील साहब को पता है, अभिषेक मनु संघवी 10 बड़े लॉयर है ना भारत के, उसमें संभवतः दूसरे तीसरे नंबर का लॉयर है। वो केस लेकर गया बीजेपी आरएसएस के समर्थन में कि वामन मेश्राम का ये जो जजमेंट है इसके अनुसार 13.5 लाख से लेकर 19 लाख तक पर्चियां गिननी पड़ेगी, बहुत लंबा समय लगेगा। तो इसलिए मैं एक केस लेकर आया हूं कि गिनती ना करना पड़े, मिलान कराओ। ईवीएम के वोट, पेपर ट्रेल के वोट, मिलान कराओ, गिनती नहीं। ये गिनती का ऑर्डर है, ये रिकाउंटिंग का ऑर्डर है। उसने कहा रिकाउंटिंग में तो चोरी पकड़ी जाएगी, मिलान करा दो, मिलान करा दो। ऐसा केस लेकर गया, उसको ये जजमेंट को दबाना था, नीचे दूसरा जजमेंट लाना था। केस लेकर गया मिलान का। अब मिलान का केस जब लेके गया तो हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप कह रहे हो इससे ज्यादा समय लगेगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, लिखा हुआ है संविधान में, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, कहा लिखा हुआ है। सवाल तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का है, सवाल तो ईमानदारी से चुनाव करवाने का है। अगर 8 दिन ज्यादा लगते हैं लगाओ, मगर ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। अगर धोखाधड़ी से चुनाव होता है तो फिर तो 5 साल का समय जाता है भाई, इधर 8 दिन ज्यादा ले लो, उधर 5 साल का मामला है। अगर इधर 8 दिन कम ज्यादा कर दिया तो 5 साल चले जाएंगे, बेहतर है ये 8 दिन ज्यादा जाते हैं। तो बाबा साहब ने कहा लिखा हुआ है, जस्टिस रंजन गोगोई था, आरएसएस ने पहले से प्लानिंग बनाकर एक औरत को चीफ जस्टिस पर आरोप लगवा दिया, इसने तो मेरा यौन शोषण किया। अब वो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तो आरोपी हूं, मैं तो हेयरिंग नहीं कर सकता, ये तो कानून के हिसाब से बराबर है उसका। तो शरद बोबड़े नाम का दूसरा नंबर का जज था, उसका दादा आरएसएस के वकील विंग का संस्थापक अध्यक्ष था, उसका पोता सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर का जज था। उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा और उसने फैसला दिया जस्टिस गोगोई निर्दोष है। प्लानिंग पर्दे के पीछे सेट हो गया कि आप निर्दोष होने के बाद आप हमारा काम करो, अभी आपका काम कर देते हैं। तो वकील साहब जानते हैं कैसे पर्दे के पीछे खेल चलता है, हो गया निर्दोष छोड़ दिया। फिर उस जज ने, शरद बोबड़े ने फैसला दिया कि वो जो औरत है उसकी जांच करने के लिए जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में जांच बिठा दी। जस्टिस पटनायक ने भी उसको निर्दोष छोड़ दिया। दोनों ने जब निर्दोष छोड़ा तो मुझे समझ में आया कि औरत तो आरएसएस की प्लांट की भी मामला है। दोनों ने जब निर्दोष छोड़ा, अरे जब तुम बोल रहे हो झूठा आरोप कर रही है तो इसका मतलब है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसको भी आप निर्दोष छोड़ रहे हैं, इसका मतलब वो औरत आपकी प्लान की हुई, प्लान की हुई महिला। वो होने के बाद में 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 50% की कांग्रेस वाले मांग कर रहे मिलान की, 1% होगा। अब आरएसएस को, बीजेपी को लगा 1% में तो चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, इसमें तो 200% गारंटी से चोरी पकड़ी जाती, 1% वो भी मिलान करने का, पकड़ी नहीं जाएगी। तो आरएसएस, बीजेपी और विश्वेंदु परिषद के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों को, उनको बता दिया जो एक आदमी एक वोट नहीं डालेगा, एक आदमी 2-3 वोट डालेगा। तो ये चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया, ईवीएम वोट काउंट मिसमैच इन 373 सीट्स एंड ईसी रिफ्यूज टू एक्सप्लेन, लिख कर दिया। 373 में 220 लोकसभा पर लोगों ने जितने वोट डाले उससे ज्यादा निकले। इवन नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में 11 लाख लोगों ने वोट डाले, 12,87,000 निकले। कितने? 12,87,000, 1,87,000 वोट नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में ज्यादा निकले। फिजिकल एविडेंस हो गया, घोटाला हुआ। उसके फौरी बाद नरेंद्र मोदी ने कोविड इमरजेंसी घोषित कर दिया। यह फैसला आने के बाद कोविड इमरजेंसी उन्होंने घोषित कर दिया, इसकी चर्चा हुई बंद। ये जो जजमेंट है, 153 सीटों में लोगों ने जितना वोट डाला उससे कम निकला। कम क्यों निकला? जहां जरूरी था बीजेपी को उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिया, तो कम निकलेगा ना। जिनके वोट ज्यादा है वहां से हटाकर बीजेपी वाले हार रहे हैं उनके नाम पर ट्रांसफर कर दिया। अमेरिकन एक्सपर्ट कहते हैं एक आदमी कंप्यूटर लेके बैठ के सारे देश का चुनाव नहीं, आप हरवा सकते हो जितवा सकते हो, एक आदमी एक कंप्यूटर पे बैठ के
ईवीएम पर, जब काउंटिंग हो जाती है सर, मैं जानना चाहता हूं अमेरिका में, यूरोप में, किसी डेवलप कंट्री में जिन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की ईवीएम की, जिन्होंने ईवीएम की टेक्नोलॉजी डेवलप की, वो ईवीएम से चुनाव नहीं करवाते। इंदिरा गांधी ने कहा कि ये काशीराम जी को कैसे काउंटर करे, कहा कि ईवीएम है, उधर चर्चा चल रही कि इसको हैक किया जा सकता है, तो इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया अभिषेक मनु सिंघवी को भेज करके करवाएगा। ये मामला है। अब क्या हुआ, अब कांग्रेस ने भी बेनिफिट लिया, बीजेपी ने भी बेनिफिट लिया, अब दोनों इसको बचाए रखना चाहती है। चल क्यों रहा, अरे एक पार्टी अगर नेशनल पार्टी इसके विरोध में होती तो खत्म हो गया होता। दोनों को इसका बेनिफिट हुआ, दोनों इसको चलाना चाहते हैं।